दिनचर्या नहीं है और ऊपर से जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव की भयंकर बीमारी फैली हुई है। इधर होता क्या है मेरे बंधुओं कि बाबा साहब तो विदेश चले गए, लेकिन जो माता रमाबाई हैं वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मुंबई की गलियों में जाती हैं और गोबर बीनती हैं। गोबर बीन करके कंडे बनाती हैं, उपले बनाती हैं और फिर वो कंडे उपले सुखा करके और फिर गलियों में बेचने के लिए जाती हैं। उससे जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से वो अपने बच्चों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करती हैं। लेकिन विचार करो बंधुओं, पांच पांच बच्चों के लिए कंडे उपले बेच करके कहां से भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर एक दिन बच्चों को खाना मिल गया तो दो दो तीन तीन दिनों तक बच्चे भूखे रहते हैं। अगर आज रोटी मिल गई तो कल वो भी नहीं मिलती है। शाम जब होती है बच्चे रोटी मांगते मांगते रोते रोते सो जाते हैं। माता रमा रात भर बैठी रोती रहती है कि मेरे बच्चे अब तो भूखे सो गए, लेकिन जब ये सुबह सो के जगेंगे, रोटी मांगेंगे तो मैं इनको क्या खिला दूंगी। मैया रमा पूरी रात सोती नहीं है, पूरी रात बैठी बैठी रोती रहती है। अब देखिए भाइयों, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां मैया रमा ने उठाई, लेकिन कभी बाबा साहब के रास्ते में रोड़ा नहीं बनी कि साहब इस समाज के लिए काम ना करो, बच्चों को देखो। कभी नहीं कहा ऐसा। एक समय आता है प्यारे बंधो, माता रमाबाई के जो बच्चे थे वो कमजोर होने लगे। क्यों? क्योंकि भैया उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। क्या होता है मेरे भैया कि बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है और बच्चे धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। तो जो दूसरे नंबर पर बेटा था गंगाधर, वो बहुत बीमार हो जाता है। और जब वो बेटा बहुत बीमार हुआ तो मेरे भैया उस बच्चे का इलाज नहीं हो पाया और इलाज के अभाव में वो बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत हो गई जो दूसरे नंबर पर बेटा था गंगाधर, बहुत बीमार हुआ। और माताओं बहनों, बच्चे का इलाज नहीं हो पाया। इलाज क्यों नहीं हो पाया? पैसे नहीं थे। और बच्चे की मौत हो गई। लेकिन जब बच्चे की मौत हुई प्यारे बंधुओं, ऐसा वो समय था, ऐसा वो दौर था कि मैया रमा के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी कि वो अपने बच्चे के लिए कफन मंगा लेती। कफन भी नहीं आ पाया। पुराने कपड़े में, पुराने साड़ी के टुकड़े में लपेट करके मैया रमा ने अपने उस बच्चे को दफन करवाया। थोड़ा और समय बीता, मैया रमा दिन रात रोती रहती हैं, दुखी रहती हैं, लेकिन फिर भी वो गलियों में जाकर के गोबर बीनती हैं, उससे वो कंडे बनाती हैं, उपले बनाती हैं, सुखाती है और फिर बेचने के लिए जाती। जो पैसा मिलता है तो उससे वो थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था करती है। कुछ और समय बीता तो जो तीसरे नंबर पर बेटा था रमेश, वो भी बहुत ज्यादा बीमार हो गया। और जब वो रमेश बेटा बीमार होता है तो उसका भी इलाज नहीं हो पाया पैसों के अभाव में, और वो बेटा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बेटा रमेश की भी मृत्यु हो जाती है। मैया रमा उस समय भी इतनी मजबूर थी, एक पैसा नहीं था, उस बच्चे के लिए भी कफन की व्यवस्था नहीं हो पाई भाइयों, और उस बच्चे को भी पुराने साड़ी के टुकड़े में लपेट करके दफन कराया गया। मैया रमा बहुत दुखी होती है, लेकिन कर भी क्या सकती है। आगे और समय बीतता है तो अम्मा बहनों, बाबा साहब की इकलौती बेटी थी इंदु। बाबा साहब की इकलौती बेटी इंदु बहुत बीमार हो जाती है। और जब बिटिया बीमार हुई तो मैया रमा बहुत परेशान हो गई कि कहीं ऐसा ना हो मेरे दो दो बेटों की तरह ये मेरी बिटिया भी मुझे छोड़ के चली जाए। माता रमा दिन रात मेहनत करती हैं, गोबर बीनती हैं, कंडे उपले बनाती हैं, बेचती हैं, घर घर जाकर के कंडे उपले बेचने का काम करती है, और वो पैसा इकट्ठा करने लगी कि मैं अपनी बिटिया का इलाज करा पाऊं। बिटिया बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मैया रमा दिन रात मेहनत करके कंडे उपले बेच बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा किया है। और जब कुछ पैसे मैया रमा के हाथ में आए तो मैया रमा ने सोचा कि मैं किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर अपनी बिटिया का इलाज कराऊंगी। और जिस दिन मैया रमा कंडे उपले बेच बेच करके बिटिया इंदु के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था करती है, उसी दिन क्या होता है, बाबा साहब की एक चिट्ठी आ जाती है। बाबा साहब उस समय पढ़ाई कहां कर रहे हैं, लंदन में। और बाबा साहब जो पढ़ाई के लिए पैसे लेके गए थे भैया, वो खत्म हो चुके थे। और बाबा साहब को पढ़ाई के लिए कुछ किताबें खरीदने की
बहुत ही जरूरत है, कुछ किताबें उनको खरीदना है अपनी पढ़ाई के लिए और बाबा साहब के पास पैसे नहीं है। अब मजबूर होकर के बाबा साहब ने मैया रमा को एक चिट्ठी लिखी और जैसे वो चिट्ठी मैया रमा के पास पहुंची है तो उस चिट्ठी में ये लिखा था कि अरे मेरी प्यारी रमा, मुझे पता है तुम इस समय बहुत ही ज्यादा परेशानी में होगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन रमा मैं क्या करूं, जो मैं पैसे लेकर के आया था वो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और मुझे कुछ किताबें खरीदने की आवश्यकता है, इसलिए हो सके तो कुछ पैसे मेरे लिए भेज दो। अब मैया रमा ने जब ये बात सुनी रोने लगी, बिलखने लगी, कर भी क्या सकती है। उन्होंने पैसा किस लिए इकट्ठा किया था? बिटिया के इलाज के लिए। लेकिन उधर बाबा साहब की चिट्ठी आ गई कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं और अगर वो पैसे नहीं मिलेंगे, अगर वो किताबें नहीं खरीदेंगे तो फिर पढ़ाई अच्छी कैसी होगी। मैया रमा ने ये सब सोचा और क्या किया, बिटिया का इलाज नहीं कराया बल्कि वो पैसा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भेज दिया। जो भी पैसा थोड़ा बहुत उन्होंने कंडे उपले बेच बेच करके इकट्ठा किए थे, बिटिया बीमारी से घुट रही थी, तड़प रही थी, बिटिया के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा किया लेकिन बिटिया का इलाज नहीं कराया, वो पैसा बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए मैया रमा ने भेज दिया। और इधर दिन में पैसा भेजा और रात में बिटिया इंदु भी तड़प तड़प करके मर गई। बीमारी से तड़प तड़प कर बेटी इंदु की भी मौत हो गई। मैया रमा रोती है, बिलखती है, तड़पती है, लेकिन क्या कर सकती है। इधर भैया क्या होता है, जिस दिन बिटिया की मृत्यु हुई उस दिन भी मैया रमा के पास एक पैसा नहीं था क्योंकि जो पैसे थे वो जोड़ बटोर करके मैया रमा ने बाबा साहब के लिए भेज दिया था। तो बिटिया के लिए अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं थे। मैया रमा ने क्या किया, पुरानी साड़ी के टुकड़े को फाड़ करके और उसी टुकड़े में लपेट करके बिटिया को दफन कराया। उसके बाद क्या होता है, उधर धीरे धीरे बाबा साहब की पढ़ाई पूरी हो गई और बाबा साहब वापस आए। जब वापस आए और बाबा साहब जब ये बात सुनते हैं कि उनके तीन तीन बच्चे इस दुनिया से चले गए तो कलेजा फटता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बाबा साहब कुछ दिन घर पर रहते हैं, मैया रमा सोचती मेरे साहब आ गए अब सब ठीक हो जाएगा। अब बाबा साहब की कितनी संतानें बची हैं, दो, एक सबसे बड़ा बेटा यशवंतराव और एक सबसे छोटा बेटा राजरतन जो कोई अभी एक डेढ़ साल का है। सबसे छोटा बेटा राजरतन एक डेढ़ साल का है मात्र। बाबा साहब कुछ दिन घर पर रुकते हैं और उसके बाद क्या होता है मेरे भैया, बाबा साहब को संदेश मिलता है, कौन सा, गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज सम्मेलन जो अंग्रेजों के बीच में लंदन में एक ऐसी मीटिंग रखी गई थी जहां पर बाबा साहब अपने लोगों के हक अधिकारों को, हक अधिकारों की बात रखने का मौका मिल रहा था। गोलमेज सम्मेलन मतलब एक ऐसी मीटिंग जहां पर बाबा साहब को अपने दीन दुखी पीड़ित शोषित वंचित समाज के लोगों के हक अधिकारों की बात रखने का मौका मिल रहा था। बाबा साहब बड़े खुश हुए, तैयार हुए और चल पड़े। कहां के लिए? गोलमेज सम्मेलन के लिए। इधर क्या होता है, उसी दिन बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा राजरतन बहुत बीमार हो गया, उसको बहुत तेज बुखार आ गया। बाबा साहब तैयार हुए, कहां जा रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। इधर मैया रमा दौड़ती दौड़ती आई और बोली, साहब कहां जा रहे हो। बाबा साहब ने कहा, अरे रमा आज तो मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, मैं जिस समय का इंतजार कर रहा था वो समय आ गया है, मुझको जाना होगा, मुझे अपने लोगों की, अपने समाज के लोगों के हक अधिकारों की बात रखने का मौका मिल रहा है। बाबा साहब जब ये बोलते हैं, मैया रमा दुखी हो गई, बोली, साहब जा रहे हो, जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। माता रमा ने क्या कहा, अरे विचार करके देखिए माताओं बहनों, कोई माँ क्या ऐसी हो सकती है जैसी हमारी माता रमाबाई थी। अपने हित के लिए नहीं बल्कि करोड़ों लाखों दीन दुखी वंचित समाज लोगों के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। माता रमा ने जब सुना कि बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं, मैया रमा चुप हो गई। ये नहीं कहा कि ना जाओ, बल्कि मैया रमा ये बोली कि साहब आप जा रहे हो, जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ पैसे हो तो दे दो, मैं बेटे का इलाज करा लूंगी। बाबा साहब ने कहा, क्या हुआ रमा। मैया रमा कहने लगी, साहब बेटा राजरतन तेज बुखार से तप रहा है, उसको बहुत तेज बुखार है, साहब आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकती, लेकिन थोड़े पैसे हो तो दे दो, मैं बेटे का इलाज करा लूंगी। बाबा साहब कोट की जेब में हाथ डालते हैं और जैसे वो कोट की जेब में हाथ डालते हैं वैसे वैसे हाथ जेब में पड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि साहब के पास पैसे नहीं थे। पता नहीं कैसे वो जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में। इधर क्या होता है मेरे प्यारे बंधुओं, मैया रमा जब बाबा साहब कोट की जेब से हाथ नहीं निकालते हैं तो मैया रमा ने अपने हाथों से हाथ को बाहर निकाला है, और जब हाथ को बाहर निकाला है तो अम्मा बहनों क्या देखा,
एक भी पैसा बाबा साहब के हाथ में नहीं है और ना तो जेब में एक भी पैसा है। बाबा साहब कुछ नहीं बोले मेरे बंधुओं, कुछ नहीं बोले, बिना बोले ही वो चल पड़े। इधर मैया रमा दौड़ती दौड़ती घर के अंदर गई और जहां पर बेटा राज रतन लेटा हुआ था, बाबा साहब कहाँ चले गए? हमारे आपके हक अधिकारों को मांगने के लिए लंदन गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चले गए। और मैया रमा दौड़ती घर के अंदर पहुंची जहां पर वो छोटा बेटा लेटा हुआ था। राज रतन बहुत तेज बुखार से तप रहा था, बहुत तेज बुखार से तप रहा था। और मैया जैसे अंदर पहुंची और जैसे अपने बेटा को गोद में उठाया तो क्या देखा बंधुओं, बेटा राज रतन भी दुनिया छोड़ के जा चुका है। बेटा राज रतन भी दुनिया छोड़ के जा चुका, बेटा राज रतन की भी मृत्यु हो चुकी है। मैया रमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मैया रमा रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपने बेटा को सीने से लगा लिया। बेटा अरे तुम कहां मुझे छोड़ के चले गए? आज मैया रमा अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर के फूट फूट करके रोने लगी, बिलखने लगी। देखिए मेरे बंधुओं, वो माता रमा, वो माता रमा जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मुंबई की गलियों में गोबर भीनती थी, कंडे बनाती थी, उपले बनाती थी, फिर द्वारे द्वारे पे जा करके लोगों से हाथ जोड़ के कहती थी, भैया मेरे कंडे ले लो, मेरे उपले ले लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है। जबरदस्ती मैया रमा लोगों के हाथ जोड़ती थी। अरे प्यारे बंधु, बाबा साहब अम्बेडकर इतना पढ़े लिखे थे, इस देश में छुआछूत थी, विदेश में नहीं थी। अगर वो चाहते विदेश में नौकरी कर लेते तो मैया रमा को गलियों में गोबर बीनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बाबा साहब चाहते विदेश में नौकरी कर लेते, उनके बच्चे आराम से पल जाते, मैया रमा को कंडे उपले बेचने की जरूरत नहीं पड़ती और उनके चार चार बच्चे बीमारी और भुखमरी से तड़प तड़प के नहीं मरते। इधर मैया रमा ने जैसे अपने बेटा को गोद में उठाया तो देखा बेटा मर चुका, जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। कुछ लोग इकट्ठे हो गए। मैया रमा ने कहा, भैया मेरे साहब अभी कुछ ही दूर पहुंचे होंगे। अरे मेरे साहब अभी गांव के बाहर ही होंगे, दौड़ते हुए चले जाओ। एक व्यक्ति जाता है और कहता, अम्बेडकर कहाँ जा रहे? अरे अम्बेडकर कहाँ जा रहे, रुक जाओ, तुम्हारा बेटा राज रतन मर गया। बाबा साहब ने जैसे इतनी बात सुनी वो लौट के आते हैं, थोड़ी देर के लिए लौट के आते हैं और जब घर आते हैं, मैया रमा ने बच्चे की लाश को बाबा साहब की गोद में डाल दिया और मैया रमा रो करके बोली कि साहब आप तो कहते थे कि मैं अपने इस बेटा को राजा बनाऊंगा। मैया रमा क्या बोली कि साहब आप तो कहते थे कि मैं अपने इस बेटे को राजा बनाऊंगा, लेकिन ये मेरा राजा बेटा कहाँ चला गया मुझे छोड़ के? मुझे मेरा बेटा चाहिए साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैया रमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। बाबा साहब की भी आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटा की लाश को देख कर कुछ क्षण के लिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। प्यारे बंधु, अब बाबा साहब के चार बच्चे कुर्बान हो चुके, ये चौथा बेटा दुनिया छोड़ के जा चुका और किस अभाव में? बीमारी भुखमरी से तड़प तड़प कर, पैसों के अभाव में, दवाई के अभाव में। बाबा साहब कुछ देर के लिए अपने आप को संभाल नहीं पाते, लेकिन अचानक उनको याद आता है कि हमको तो गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाना है। उठ के खड़े हुए और बोले, रमा मैं जा रहा हूं। अब इस बात को जरा महसूस करिए मेरे भाइयों, अपने ऊपर इस बात को एक मिनट के लिए, कि अगर किसी भी पिता के बेटे की लाश घर में पड़ी हो, कितना भी जरूरी काम हो, कोई पिता अपने बच्चे की लाश घर में छोड़कर दूसरे काम के लिए बाहर नहीं जा सकता। कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा किया। बाबा साहब अंबेडकर ने जैसे उनको याद आया कि मुझे गोल में सम्मेलन में जाना है, उन्होंने क्या किया? बोले, रमा मैं जा रहा हूँ। मैया रमा अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, बोली, साहब अरे आज तक मैंने आपको कभी नहीं रोका, आज तक मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन साहब आज बेटे की लाश घर में पड़ी है, कम से कम आज तो ना जाओ। बेटे की लाश घर में पड़ी, साहब कम से कम आज तो ना जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर बोले, रमा मेरा बेटा तो मर चुका है, अगर मैं रुक गया तो भी ये जीवित नहीं हो जाएगा। बाबा साहब ने क्या कहा कि रमा आज तो मेरा एक बेटा मरा है, अगर मैं रुक गया तो भी ये जीवित नहीं हो जाएगा, लेकिन रमा अगर मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंचा, अगर मैं गोल में सम्मेलन में नहीं पहुंचा, तो मेरे लाखों करोड़ों बेटों के हक अधिकारों की हत्या हो जाएगी, मेरे लाखों करोड़ों बेटों के हक अधिकारों की हत्या हो जाएगी। इसलिए रमा मैं अपने एक बेटे के लिए अपने लाखों करोड़ों बेटों को बीमारी और भुखमरी से तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देखना चाहता।
क्या कहा बाबा सामने कि मैं अपने एक बेटे के लिए अपने लाखों करोड़ों बच्चों को बीमारी और भुखमरी से तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देखना चाहता। आज तो मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन अगर मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंचा, गोल में सम्मेलन में नहीं पहुंचा, तो आते आए दिन मेरे लाखों करोड़ों बच्चे बीमारी और भुखमरी से तड़प तड़प करके मरेंगे। और मेरे भैया माता रमा अपने बच्चे की लाश को गोद में लिए रोती बिलखती रह गई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ही घर से बाहर कदम निकालते हैं तो बाबा साहब एक बात बोलते कि रमा मैं तो जा रहा हूँ, हे रमा मैं तो जा रहा हूँ, मेरे तीन तीन बच्चों को कफन नहीं मिल पाया है, लेकिन रमा यदि हो सके तो मेरे इस छोटे बेटे को कफन मिला देना। रमा यदि हो सके तो मेरे इस बच्चे को कफन दिला देना। और इतनी बात कह करके भाइयों बाबा साहब चले गए गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और इधर क्या होता है, मैया रमा काफी समय तक रोती रही, तड़पती रही, बिलखती रही। वो दिन भी ऐसा था कि मैया रमा के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे के लिए कफन मंगा लेती, छोटे बच्चे को भी अपनी साड़ी के टुकड़े में लपेट करके, पुरानी फटी हुई साड़ी के टुकड़े को फाड़ करके और उस पुराने कपड़े में लपेट करके अपने छोटे बच्चे राजरतन को भी मैया रमा ने दफन करवाया। तो प्यारे बंधुओं ये जरा महसूस करके देखिए, आज तो आपने कहानी सुनी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और मैया रमा के बच्चे, चार चार बच्चे सच में बीमारी भुखमरी से तड़प तड़प कर जब मरे होंगे और बिना कफन के उन बच्चों को जब दफनाया गया तो क्या गुजरी होगी मैया रमा पर, विचार करके देखिए। अम्मा बहनों ये बाबा साहब ने त्याग, माता रमाबाई ने ये त्याग किसके लिए किया, किसके लिए किया, हमारे आपके लिए, किसके लिए, हमारे आपके लिए। प्यारे बंधु बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को एक भरपेट खाना मिल जाता तो आज आपके बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को यदि अच्छा कपड़ा वो पहनने को मिल जाता तो आज आपके बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं मिलता। प्यारे बंधु बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को यदि कफन मिल जाता तो आज आपके बच्चों को आपको कफन भी नसीब नहीं होता। ये सच्चाई है मेरे भाई, ये सच्चाई है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते तो वो इस समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वो अपने परिवार में ही लगे रहते, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपना परिवार नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा। माता रमाबाई भी 35 वर्ष की उम्र में बूढ़ी होकर के मर गई थी, मात्र 35 साल की उम्र में, क्योंकि बचपन से 9 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ था। और जब से विवाह हुआ इतने दुख झेले, इतने दुख झेले, उधर बच्चों की चिंता, उधर बाबा साहब की भी चिंता, क्योंकि बाबा साहब ऐसा काम कर रहे थे तो मैया रमा दिन रात बाबा साहब के लिए चिंतित रहती थी। बीमारी से प्रभावित होकर के बीमारी, ऐसी बीमारी उनको चिंता के कारण घेर लेती है कि मात्र 35 साल की उम्र में ही मैया रमा भी दुनिया छोड़ के चली जाती हैं। तो विचार करिए, ऐसा त्याग किया है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए और मैया रमा ने, लेकिन आज हम लोग उनको भूल गए। तो मेरी अम्मा बहनों क्या करती हो, दुर्गा की पूजा करती हो, काली की पूजा करती हो, अनेक देवियों की पूजा करती हो, लेकिन क्या कभी मैया रमा की तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित किया है? जानती भी नहीं होंगी हमारी बहुत सी माताएं बहनें कि मैया रमा है कैसी, फोटो भी नहीं देखी होगी, जरूरत ही नहीं की देखने की, कोशिश नहीं किया। तो मेरी माताओं बहनों इन महापुरुषों को जानो, पहचानो और उनके विचारों को अपने जीवन में अपना लो, नहीं तो अभी तो मैंने कहानी सुनाई है, आने वाले समय में कहीं ऐसे दिन फिर नाम को आपको देखने पड़ जाएं, इसलिए अभी से जागरूक हो जाओ। बोलिए भारत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की।